दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, अगर प्रेजेंट टाइम में आपको अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड पता भी नहीं है दोस्तों, तब भी आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्या तरीका है, किस तरीके से आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, क्या तरीका है, क्योंकि इस टाइम पे इंस्टाग्राम पूरा ही अपडेट हो चुका है दोस्तों, सब कुछ बदल चुका है दोस्तों। अगर आप जाओगे पुराने तरीके से पासवर्ड चेंज करने के लिए, तो आपको वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, कोई फीचर ही नहीं मिलेगा कि किस तरीके से चेंज करना है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो। मैं तो कहूँगी दोस्तों, अगर आपके पास में दो फोन है तो एक फोन में आप साथ ही साथ ट्राई भी करते रहिएगा मेरे साथ में, कि क्या क्या स्टेप हैं, कैसे करना है, फॉलो करते रहिएगा, करते रहिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके, इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और आपको इसी तरह की वीडियो बनाकर लाने में मुझे आसानी होती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। आज तक आपको यूट्यूब पर ऐसा तरीका किसी ने भी नहीं बताया होगा, किसी बड़े यूट्यूबर ने भी इतना आसान तरीका नहीं बताया होगा जितना आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल है, और बहुत ही इजीली आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर पाएंगे। और अगर आप अपना पासवर्ड जानना चाहते हैं, जो आपका पहले था उसी पासवर्ड को अगर आप रिकवर करना चाहते हैं, तो उस पासवर्ड को भी आप रिकवर कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप अपने पासवर्ड भूल चुके हो, इंस्टाग्राम का पासवर्ड आप भूल चुके हो, लेकिन आपके फोन में आपका जो पासवर्ड है वो अभी भी है, तो उसको आप कैसे निकालेंगे वो भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगी, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने अपना इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है। आप मेरे साथ में एक दूसरे फोन में, अगर आपके पास दो फोन है तो ट्राई करते रहिएगा, साथ साथ में आपकी जो जीवल का पासवर्ड है इंस्टाग्राम का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड में नीचे आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, जो आपका फोटो लगा रखा है आपने अपनी प्रोफाइल का, उस प्रोफाइल फोटो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैंने अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक किया, आपके सामने कॉर्नर में तीन लाइन दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ से आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो कोई भी स्टेप आप मिस कर दोगे तो आपकी जो पासवर्ड है वो चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जो तीन लाइन है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अकाउंट सेंटर का एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पहले फीचर दिए थे हमें इंस्टाग्राम ने, वो अब यहाँ पर हमें नहीं मिलते हैं, सब कुछ हमें जो है यहीं से एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है। जैसे हम अकाउंट सेंटर पर आएंगे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ से आप अगर इंस्टाग्राम पूछ रहा है कि कौन सी प्रोफाइल का आपको पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है, अगर आप यहाँ से कोई भी पासवर्ड चेंज करना, दूसरी वाली आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको उसी आईडी का पासवर्ड चेंज करके दिखाऊंगी जो मेरे पास है, ठीक है। तो चलिए, हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो इस पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आपको जो है क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने चेंज पासवर्ड का ऑप्शन खुल के आता है, चेंज पासवर्ड लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ फिर से ये पूछ रहा है कि चेंज पासवर्ड चॉइस एंड अकाउंट टू मैक चेंजेस, कौन सी आईडी में आप अपना चेंजेस करना चाहते हो, पासवर्ड किसका चेंज करना चाहते हो, ठीक है। जो फेसबुक वाली आईडी है आपके साथ वो भी है, जो इंस्टाग्राम की आईडी है वे भी आपके सामने है, तो ठीक है, मैं ये नीचे वाला कर लेती हूँ। चलो, मैं यहाँ से एक चूज करके दिखा देती हूँ आपको, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप आ जाते हैं इजिली, आप यहाँ तक इतना प्रोसेस कर लेते होंगे। इसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि अब हम क्या करें, कैसे हम इसे चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे करंट पासवर्ड मांग रहा है दोस्तों। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है
करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, रिटाइप न्यू पासवर्ड। तो यहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो दोस्तों बहुत इजी तरीका है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी, बस आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी जरा से स्किप मत कीजिए, अगर स्किप करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, यहाँ से तो आपको अभी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं ये बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, सिंपल हमें क्या करना है, बैक आ जाना है। एक मिनट का प्रोसेस है, बिल्कुल एक मिनट का प्रोसेस है दोस्तों, आप बहुत आसान तरीके से जो है पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको आ जाना है अपनी जीमेल में। बहुत इजी प्रोसेस बताऊंगी, आज तक आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने इस तरीके का प्रोसेस नहीं बताया होगा जीमेल का पासवर्ड चेंज करने का दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले अपनी जीमेल को देख लेते हैं। तो मेरा जीमेल कहाँ है मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ से ये देखिए मेरा जीमेल है, यहाँ से मैंने जीमेल को ओपन कर लिया। आप भी अपनी जीमेल को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको अपने जीमेल का प्रोफाइल लोगो दिखाई दे रहा होगा, जो ये फोटो आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। जिस भी जीमेल में, मतलब मान लीजिए आपके फोन में बहुत सारी जीमेल है, जिस जीमेल से आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं इस वाले को ओपन कर लेती हूँ, जो मेरी नीचे वाली जीमेल है, इससे मैंने इंस्टाग्राम पासवर्ड, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखे है, तो मुझे ये ओपन कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए फिर से हमें अपने इस लोगो पे क्लिक करना है, हमने जीमेल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हमें गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है, ये जैसे लिखा है गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से हमें थोड़ा स्क्रॉल करना है, जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ सॉरी ये वाला आपके सामने ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा आपके सामने। तो दोस्तों आपने कोई भी, आप इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जो भी आप आईडी बनाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, जिस चीज़ का भी पासवर्ड हो, आप जब बनाते हैं उस टाइम जो है आपका पासवर्ड आपके फ़ोन में होता है और वो सेव हो जाता है, भले ही उसे आप भूल जाएं लेकिन मोबाइल के अंदर वो सेव रहता है, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि उसे आपको रिकवर कैसे करना है, निकालना कैसे है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, जो भी चीज़ आप पासवर्ड आप भूल जाते हैं इस तरह से निकाल सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड में, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड मैनेजर, देख सकते हैं पासवर्ड मैनेजर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जितने भी आपने एप्स में लॉगिन किया है जीमेल से, जो भी आपने जिस चीज़ का भी पासवर्ड बनाया है, जब से आपने फोन लिया तब से लेकर अब तक आपने जो भी पासवर्ड बनाया है जिस भी चीज़ का, यहाँ पे आपको सबका सब चीज़ का पासवर्ड मिलेगा। देखिए दोस्तों कितने सारे जो मैंने पासवर्ड मतलब बनाए हैं ऐप में, अकाउंट बनाए हैं, सबके पासवर्ड मुझे यहाँ पे मिलेंगे। इंस्टाग्राम है, जितना भी मीशो वगैरह, सब चीज़ का पासवर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको स्टॉक वगैरह जो भी आप मतलब पासवर्ड बनाते हैं सारे यहाँ पे सेव रहते हैं। तो आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट का मतलब आपको इंस्टाग्राम के अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है या ढूंढना है जो भी आपका पहला पासवर्ड है। तो देखिए जैसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास में इंस्टाग्राम के 7 अकाउंट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इंस्टाग्राम 7 अकाउंट, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। हर एक अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और यह 7वां, ठीक है। पूरे 7 के 7 पासवर्ड आपके सामने हैं, ये देखिएगा दोस्तों जो यहाँ पे आई बनी हुई है इस पर आपको क्लिक करना है इस तरह से, तो आपका पासवर्ड आपके सामने शो कर देगा, ठीक है। ये देख सकते हैं हर एक आईडी का पासवर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आईडी आपको लॉगिन करनी है इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके फोन में जीमेल नहीं है, मतलब आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा है दोस्तों, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, फिर से आपको इंस्टाग्राम पे आ जाना है। मान लीजिए आपके सामने उस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अब आप क्या करेंगे, फिर से आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे। तो चलिए इसी प्रोसेस पे जहाँ पे हम थे यहीं पे हम आ जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पासवर्ड तो हमें याद है नहीं, अब हमें करना क्या है, फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे लिखा है नीचे, फॉरगेट योर पासवर्ड, इसी पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। अब और कोई तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, कोई भी ऑप्शन अब हमारे पास नहीं है तो हमें इस पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करती हूँ, देखिए
समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन, यानी कि आपके जो अकाउंट है जिस पे आपने इसे जिस भी अकाउंट से आपने इसको जीमेल से बनाया है या अपने फोन नंबर से बनाया होगा, अगर मोबाइल नंबर से बनाया है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड जाएगा जीमेल पे, अगर आपने जीमेल से बनाया है तो आपके जीमेल पर एक मैसेज जाएगा, और अगर आपने मोबाइल नंबर से बनाया है तो अपने मोबाइल नंबर पे एक मैसेज जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने मोबाइल नंबर से बनाया है तो मेरे मोबाइल नंबर पे आया है, और आप जिस भी जीमेल से बनाओगे वो जीमेल पर मैसेज चला जाएगा, आपको वहां से कर लेना, ठीक है। तो हम बैक आ जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने अपने मोबाइल नंबर से बनाया था तो मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आया है, इस तरह का एक मेल आया है, देखिए। फर्स्ट यह है अभी 10:52 का पहला है, मतलब अभी 10:52 हो रहे हैं, मैं रात में वीडियो शूट कर रही हूँ, 10:52 है, तो यहाँ 10:52 पे PM पे अभी आपको रिसेंट में मैसेज आया है, इस पे लिखा है टैप टू सेट योर इंस्टाग्राम पासवर्ड, इसी पे आपको टैप करना है, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे, अभी हम इसको इंस्टाग्राम पर ओपन कर लेंगे। जैसे मैं इंस्टाग्राम पर ओपन करूंगी, देखिए यहाँ पे आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपके सामने इजीली लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं सामने पूरा साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 अक्षर का आपको पासवर्ड बनाना है, जिसमें नंबर लेटर एंड छोटे वाले जो @ वगैरह होते हैं, डॉलर वगैरह सिंबल वगैरह ये सब कुछ देना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करके पासवर्ड आपको बनाना है, ठीक है। तो अब आपको पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है, तो चलिए मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। पासवर्ड हमने डाल लिया है, अब हम क्या करेंगे रिसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम रिसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर आपके आपके अलावा किसी दूसरे के फोन में भी आपकी ये प्रोफाइल इंस्टाग्राम अकाउंट अगर लॉगिन था तो वो सारे जगह से मतलब रिसेट हो जाएगा, सारी जगह से लॉग आउट हो जाएगा, और आपका जो है अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपके फोन में रह जाएगा। मान लीजिए किसी दूसरे ने आपके प्रोफाइल को अपने फोन में लॉगिन कर रखा है, या किसी ने आपके अकाउंट को हैक कर लिया है, या फिर आप अपने दूसरे किसी भी फोन में इंस्टाग्राम चलाते हो, इसमें आप रिकवर करना चाहते हो, तो उस फोन से लॉग आउट हो जाएगा और आपका जो है इसी फोन में आपका प्रोफाइल रह जाएगा, इसी में आपका ये अकाउंट रह जाएगा जिसमें आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज आपसे फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप कॉपी पेस्ट करके यूट्यूब से या फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हो, तो साइड में मैंने आपको वीडियो के लिंक दिए हैं, ये वीडियो दी है आप देख सकते हैं, इन वीडियो को जाकर देखिए और अच्छे से सीखिए, पूरा प्रोसेस समझिए, आपको ना ही कॉपीराइट आएगा ना ही कोई स्ट्राइक आएगा, मैंने अच्छे से समझाया है, आप जाके देख सकते हैं, न्यू चैनल क्रिएट कीजिए और अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।